नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चौथे चरण में अन्य जिलों व राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन वहीं जिला अस्पताल में जांच के दौरान लाइन में लगे प्रवासी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई, जिससे प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग टीम की मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। लाइन में खड़े लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इन लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की चेतावनी भी दी, लेकिन इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। यदि इन मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा तो जनपद में बहुत तेजी के साथ कोरोना अपने पैर जमा लेगा और जिसका हर्जाना पूरे जनपद वासियों को भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चिलचिलाती धूप में बैंकों से पैसे निकालने आए लोगों को धूप में खड़ा देख थाना प्रभारी ने बैंक के बाहर टेंट की व्यवस्था कराकर लोगों को कुछ राहत पहुंचाने का काम किया। वहीं गर्मी से राहत मिलने पर लोगों ने थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया। दरअसल थाना कोतवाली देहात शहर के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर चिलचिलाती धूप में लोगों को खड़ा देखा तो थाना प्रभारी मनोज कुमार ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों को बैंक के बाहर टेंट लगवाने के आदेश दिए, जिससे लोगों को तपती धूप से राहत मिल सके। वहीं पुलिसकर्मियों द्वारा टेंट की व्यवस्था होने पर लोगों ने धूप से बचते हुए टेंट का सहारा लिया। टेंट में बैठे लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूरी बनाकर बैठे। वहीं गर्मी से राहत मिलने पर लोगों ने थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बिजनौर के कारी हफीजुर रहमान ने जनपद के मुस्लिम भाइयों से ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने तथा त्योहार को सादगी के साथ मनाने की अपील की। मौलाना साहब, आप इस ईद पर मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं इस मौजूदा हालात के हिसाब से ये आवाम को और तमाम है अहल शहर और तमाम उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही, ये समझ लीजिए कि हंगामी हालात हैं शहर के हिसाब से और देश के हिसाब से। इसमें हमें सबसे ज़्यादा एहतियात जो करनी है वो सोशल डिस्टेंसिंग की, और अपना फेस मास्क भी लगाए रखें, और अपने ज़्यादातर घरों में ही रहकर के वक्त गुजारें। और दारुल देवबंद के फतवे के हिसाब से भी कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, और नमाज नहीं पढ़ सकते घर में मिल करके तो चाश की नमाज दो रकत या चार नफिल चाश की नफिल की नियत से पढ़ लें, वो इंशाल्लाह वो आपकी ईद की सवाब मिल जाएगा उसमें। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो हालात मौजूदा वबाई अमराज चल रहा है मुतअद्दी तौर पर, उसके लिए जो पुलिस प्रशासन और तिब्बी टीम ने जो हमें आदेश दिए हैं, जो हमें अहकाम जारी किए हैं, हम उसका सही तौर पर उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी फेस मास्क के साथ भी और एहतियात के साथ भी अपना ज़रूरत के तहत बाहर निकलें। और आपकी ईद की नमाज ईदगाह में भी नहीं होगी, मस्जिद में भी नहीं होगी, उसकी जगह अपने घरों पर रह कर के बहुत ही मुख्तसर के साथ चार रकअत नफिल पढ़ लें, तो इंशाल्लाह उसका सवाब उसी को मिल जाएगा। ये आखिरी अशरा चल रहा है रमजान शरीफ का, इसमें यही दुआ लोगों से मैं अपील करूँगा कि इस आखिरी अशरे के अंदर भी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, मैं जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न मालूम अगले साल हमें वक्त मुबारक नसीब हो न हो। इसलिए अपनी बहुत ही प्यार के साथ, गरीबी को मदद के साथ हम अपना वक्त गुजारें। जो कपड़े नए बनाने हमें वो कुछ न करें, उन पैसों को हमें गरीबों को तकसीम करना है, जो हमारे अहले वतन हैं, हमारे पड़ोसी या पूर्व जवार में
चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उनकी हमदर्दी, उनका तआवुन ये हमारा फर्ज अव्वलीन है, पहला फर्ज है। और मैं अहले शहर की तरफ से डीएम साहब को, एसडीएम साहब, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, कर्मचारियों को, मेडिकल टीम को सख्त मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जो यहाँ रोल अदा किया है शहर के अंदर, अपना अपना मोहब्बत, प्यार का, अखलाक का, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक मसीहा बनकर के साथ आई है और एक हमारे लिए एक फरिश्ते के रूप में हमारे पास जाहिर हुए हैं। बस मैं इतना कहता हूँ और फकत वसलाम दुआओं का ताजी मौली हिफ्ज़ुर रहमान, कासिम बुखारा बिनौर।